पुस्तक का नाम संयुक्त परिवार के संयुक्त उत्तरदायित्व ऑडियो 2। यदि हमारा पारिवारिक जीवन कुछ न कर सके तो कम से कम उसके सभी पहलुओं को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानकर चले तो उसमें स्वर्गीय आनंद का अवतरण कोई कठिन नहीं। हमें रामायण से जीवन के किस पहलू की प्रेरणा नहीं मिलती? परिवार में एक दूसरे के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? छोटों के प्रति बड़ों का क्या उत्तरदायित्व होता है? बड़े अपने से छोटों के प्रति किस तरह निष्पक्ष रूप से व्यवहार और निर्णय करें? आपसी न्याय का प्रतिपादन किस प्रकार किया जाए? पारिवारिक जीवन में सद्भावना का क्या स्थान है? और ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनका अनुपालन परिवार में होने लग जाए तो सुख और शांति की आनंदानुभूति सबको होने लग जाए। परिवार के सदस्यों के बीच अपनेपन का विशेष अनुभव होना परिवार के टिकाऊपन का सर्वश्रेष्ठ गुण है। जब अपनों में अपनेपन का भाव समाप्त हो जाता है तभी आपसी प्रेम के टुकड़े होने लगते हैं, स्वार्थपरता आने लगती है। अतः अपने अंतर में अपनत्व की भावना पैदा करनी होगी। अपनत्व की भावना ही भेदभाव को जीवन से दूर भगा देती है। परंतु विचारों में भेदभाव की उत्पत्ति से न जाने परिवार की कितनी बुरी दशा होती है। भेदभावना पारिवारिक जीवन की एक ऐसी चिंगारी है जो भीतर ही भीतर जलती रहती है। प्रेम के अंकुर इसमें पनप ही नहीं सकते। आज परिवारों की ऐसी ही विषम स्थिति है। माता के हृदय में अपने छोटे बालकों के प्रति कितनी उदारता की भावना रहती है कि बच्चों के लालन पालन में स्वयं भूखे रहकर भी उसकी भूख की चिंता रखा करती है, अपने सिर पर हर तरह के बोझ उठा लेती है, लेकिन बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो यह बराबर ध्यान रखती है। कितना बड़ा त्याग उसके जीवन में रहता है। सचमुच माता त्याग की साक्षात प्रतिमा है। ऐसा ही त्याग करने की भावना घर के हर समझदार व्यक्ति के हृदय में आ जाए तो कलह विग्रह के परिताप से बचा जा सकता है। कलह विग्रह से परिवार की शांति भंग हो जाती है। यह तो परिवार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भावना हृदय की आंतरिक वस्तु है। यदि हम झूठे भाव से अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच अपनत्व, उदारता और त्याग का भाव प्रदर्शन करना चाहेंगे तो कभी न कभी इसकी सत्यता परिलक्षित हो ही जाएगी। तब अन्य सदस्यों का दृष्टिकोण हमारे प्रति कितना गलत हो जाएगा। लोग संकालु हो जाएंगे, हमारे प्रति अश्रद्धालु हो जाएंगे। इस मर्यादा का पालन आंतरिक गुण है कि हम परिवार में श्रद्धा के पात्र समझे जाएं। यह प्रदर्शन की वस्तु नहीं, भावना की वस्तु है। गलती करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। यदि जाने अनजाने हमसे किसी प्रकार की गलती हो जाती है जिसका आभास हमें नहीं हो पा रहा है, ऐसी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। अपनी गलती को स्वीकार कर लेने वाला व्यक्ति जीवन में पुनः गलती करने से सावधान रहता है। इसके लिए आवश्यक है कि अपने यहाँ पारिवारिक गोष्ठी की व्यवस्था आवश्यक बना ली जाए। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी आती है कि अपने परिवार में एक दूसरे के प्रति आदर की भावना बनाए रखें। चाहे कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उसके प्रति भी आदर की भावना होनी चाहिए। बच्चों का इससे मनोबल बढ़ता है। उपेक्षित बालक कभी प्रभावशाली नहीं बन सकता। यह बात जरूरी है कि बच्चे भी बड़ों का आदर करना जानें। इसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। इससे हमारे परिवार की मर्यादा बढ़ती है। अभिभावक की उदात्त भावना उसकी उत्कृष्टता का परिचायक है। उसके अंदर कभी ऐसी भावना की उपज नहीं होनी चाहिए जो अहंकार पैदा कर दे। अहंकार मनुष्य के व्यक्तित्व को घिरा देता है। यह सोचकर अभिभावक को यह भी नहीं मानना चाहिए कि मैं ही पूरे परिवार का
पालन करता हूँ, बल्कि ऐसा सोचना चाहिए कि मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ। पालन करता तो परमपिता परमात्मा है। पालन करने की शक्ति वही प्रदान करते हैं। बच्चों के जीवन में इसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है, वह भी उदार और नम्र स्वभाव का बन जाता है। मनुष्य की प्रकृति बराबर स्वतंत्र रहने की होती है। स्वतंत्रता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्र विचारधारा पर परिवार में किसी के द्वारा आक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि उस विचारधारा से पारिवारिक शांति में कोई व्यवधान तो नहीं हो रहा है। उस विचारधारा से प्रभावित होकर कोई अपनी नैतिकता तो नहीं खो रहा है। वह विचारधारा सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त तो नहीं कर रही है। यदि ऐसी विचारधारा है तब तो इसका विरोध और इसकी आलोचना उस व्यक्ति के समक्ष करनी ही चाहिए। उसे उपयुक्त सुझावों के से आकृष्ट कर सही रास्ता दिखलाना चाहिए। हाँ, यदि किसी परिवार में रूढ़िगत परंपरा का प्रचलन है जिसको मानकर चलने में किसी को आपत्ति है, तो इसके लिए किसी को लाचार भी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमारा फर्ज हो सकता है कि हम एक दूसरे की रुचियों को अपने हृदय में स्थान दें। इस तरह परिवार में एक स्वाभाविकता बनी रहेगी और सारा परिवार सुख शांति की गोद में अपार आनंद का अनुभव करेगा। व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने की परंपरा का प्रस्फुटन तभी होगा जब हम अपने अपने परिवार को उत्कृष्ट बनाने की प्रक्रियाओं और विशेषताओं का धारण करेंगे। वे विशेषताएं जो प्राचीन काल की पारिवारिक आदर्श व्यवस्था में थी, जिनके आधार पर परिवार का पारस्परिक प्रेम अक्षुण्ण रहता है, हमें अपनानी ही पड़ेगी। संयुक्त परिवार प्रणाली न केवल प्राचीन काल में पुराने समय में उपयोगी थी, वरन आज भी उतनी ही उपयोगी है। जिन परिवारों के वयस्क सदस्य नौकरी पेशा होने के कारण अलग स्थानों पर चले जाते हैं, उनकी बात और है, पर ऐसे परिवारों की संख्या नगण्य सी है। थोड़े बहुत लोग ही नौकरियों में लगे हुए हैं जिनका प्रतिशत 3-4 से अधिक ना होगा। संयुक्त परिवार के टूटने का एक कारण यह माना जाए तो उचित ना होगा। संयुक्त परिवारों के टूटने का कारण और है। एक ही गांव में पुत्र अपने पत्नी बच्चों के साथ माता पिता के साथ एक घर में नहीं रहना चाहता। शादी होते ही माँ बाप अपने बेटों को अलग करने की सोचते हैं या बेटे बहू स्वयं इसकी भूमिका बनाते हैं। विवाहित पुत्र माता पिता से अलग जाकर रहने लगे या उस समय तो लोगों को लाभप्रद दिखता है। पुत्र और बहू सोचते हैं कि अपनी कमाई में खुद ही ऐसो आराम से रहा जाए, माँ बाप को उसका हिस्सा क्यों दिया जाए। माँ बाप को अपने पुत्र से अलग हो जाने का क्षोभ तो होता है, पर वे आजकल के जमाने का चलन मानकर संतोष कर लेते हैं। आमदनी और उसकी एकाकी उपयोग का पक्ष दिखता तो बड़ा सुहावना है, पर अलग घर बसाने में जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनकी कोई गिनती नहीं। पहले तो इसका ध्यान ही नहीं रहता, पर जब परेशानियां सामने आकर खड़ी हो जाती है तब याद आता है कि इस समय घर का कोई व्यक्ति हमारे साथ रहा होता तो कितना अच्छा था। बाहर जाने पर बच्चों की देखरेख से लेकर रोग बीमारी तक में इस प्रकार की गुत्थियां सामने आ खड़ी होती है। जो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं वे भाग्यशाली हैं, पर समस्याएं वहां भी उत्पन्न होती है और वे समस्याएं इतनी विकट हैं कि उनके रहते लगता है इससे तो अलग घर बसा लिया जाता, वही अच्छा था। इन समस्याओं में मुख्य है पारिवारिक जीवन में आने वाली क्लेशपूर्ण परिस्थितियां। संयुक्त परिवारों के टूटने का कारण जहाँ अधिकतम सुख सुविधाएं उठाने का आकर्षण है, वहीं परिवारों में होने वाले क्लेश कला भी है। बल्कि मुख्य कारण तो यही नजर आता है कि पुरानी पीढ़ी यानी कि माता पिता और नई पीढ़ी पुत्र तथा बहू आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाते। पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद ने बढ़ते बढ़ते सामाजिक रूप धारण कर लिया है। इसकी शुरुआत
परिवार से हुई है। जिस दिन लड़के की शादी होकर बहू घर आती है, उस दिन से माँ बाप अपने बेटे को परिपक्व दृष्टि से देखने लगते हैं। तब तक उनकी दृष्टि में लड़का बच्चा सा था, पर अब बहू ले आया है तो वह संसारी व्यक्ति हो चुका है और उसे संसारी व्यक्ति की तरह रहना चाहिए। माता पिता के निर्देश भी उसे इसी रूप में मिलने लगते हैं। सारी भूल माता पिता से ही होती हो यह भी बात नहीं है। नई नई पत्नी पाकर युवक उसकी ओर आवश्यकता से अधिक ही आकर्षण अनुभव करते हैं। अब तक उनके जीवन में जो यौन प्रतिबंध थे, काम पर जो नियंत्रण था, जैसे वह प्रतिबंध किसी न किसी के लिए टूट गया हो और नियंत्रण समाप्त हो गया हो, उसे अपनी भावनाओं का खुलकर खेलने देने का अवसर सा मिल गया हो। नवविवाहितों में आश्चर्यजनक परस्पर आकर्षण का यह प्रमुख कारण है, लेकिन इस दृष्टिकोण को उचित नहीं कहा जा सकता। होना तो यह चाहिए कि अब तक जिस यौन भावना को नियंत्रित रखा गया है, उससे संयमित दृष्टि से ही खुलने दिया जाए, अन्यथा बांध का रुका हुआ पानी जिस प्रकार एकदम छूटने से अनर्थ उत्पन्न करता है, उसी प्रकार यहाँ भी अनियंत्रित प्रवाह अनर्थकारी परिणाम ही देता है। कई सद्य विवाहित युवकों में कामातुर नाम न भयम न लज्जा वाली उक्ति चरितार्थ होती है और उस समय दिया गया कोई सत परामर्श भी अखरने लगता है। उधर पत्नी की तरफ अधिक आकर्षित होते देखकर माँ यह समझती है कि उसका बेटा हाथ से निकलता जा रहा है। कल तक जो बेटा माँ की गोदी में माँ माँ कहता हुआ आकर सिर रखकर लेट जाता था, वह दूसरे घर से आई लड़की के प्रेम पास में आबद्ध होकर माँ की ओर ध्यान देना भी नहीं चाहता। माँ का रवैया इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर चिंतन करते करते बहकने लगता है और यह दूसरे घर से आई लड़की की मान्यता इतनी प्रबल रूप में अपनी जड़ें जमा लेती है कि वह बहू को कभी भी अपनी बेटी की तरह नहीं मान सकता। सास बहू के पारिवारिक झगड़ों का अधिकांश कारण यह असंतुलित दृष्टि ही है। कदाचित माताएं बहू को अपनी बेटी की तरह समझकर उससे आत्मीय व्यवहार करने लगी। दोष अकेली माँ के मथे भी नहीं मढ़ा जाना चाहिए। कोई युवती जब अपने परिवार को, भाई बहनों को, सगे माता पिता को छोड़कर अपने ससुराल आती है तो यह आशा की जानी चाहिए कि वह अपने पति के परिवार वालों को भी अपने घर के लोगों की तरह ही माने। पर होता यह है कि एक तो बदला हुआ वातावरण, दूसरे मायके में दी गई शिक्षाएं और अपनी सहेलियों से मिले निर्देश तथा अनुभव उसे अजनबी परिवार के प्रति रूखा बना देती है। साथ रहते रहते समझदार सास बहू अपने संबंध अच्छे बना ले यह बात और है, अन्यथा जिन घरों में सास बहू के बीच हमेशा द्वंद्व करता है वहां डोरी शुरू से खींचने लगती। बहू उस समय अपने पति पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील रहती है तो माँ अपने बेटे को हाथ से निकलने न देने के लिए सजग और पति तथा पुत्र को लेकर अन्य कारणों की आड़ में संघर्ष शुरू होता है। जिन घरों में ऐसा नहीं होता वहां भी दूसरी तरह से द्वंद चलने लगता है। यदि सास बहू को अपनी बेटी मान भी ले तो वह अपेक्षा करती है कि बहू बेटी की तरह ही उसकी आज्ञाकारिणी हो। इस तरह की आज्ञाएं बहुत कुछ यह समझ कर दी जाती है, जैसे बहू एकदम ना समझ या बच्ची हो। यह ठीक है कि बहू की अपेक्षा सास अधिक अनुभवी और दूरदृष्टि संपन्न होती है, पर इसका अर्थ यह तो होता नहीं कि बहू का मस्तिष्क एकदम कोरा कागज ही है जिस पर समझ या सूझबूझ का एक भी अक्षर नहीं लिखा हुआ है। सास की आज्ञाओं और निर्देशों में बहू अपनी उपेक्षा या अवमूल्यन समझने लगती है, क्योंकि सास के सामने उसकी योग्यता और क्षमता नगण्य हो जाती है। वह न अपने मन का कोई काम कर सकती है और न उसे इसकी छूट ही अनुभव होती है, तो वह यह मानने लगती है कि सास उसे अपने हाथ का यंत्र भर मान बनाकर रखना चाहती है। मन मुटाव की ग्रंथियां यहीं से बनना शुरू होती है। किन्हीं किन्हीं घरों में सास बहू का संघर्ष
आमने सामने होने लगता है। ऐसा उन घरों में होता है जहाँ सास और बहू वैचारिक तथा मानसिक दृष्टि से एक ही धरातल पर रह रही हो, अन्यथा यह संघर्ष शीत युद्ध के रूप में भी चलता है। माँ अपने बेटे को अपनी ओर खींचती है तथा बहू अपने पति के कान अलग भरती है। कुल मिलाकर ऐसी दशा में पुरुष की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। पति तटस्थ रहता है तो भी उस पर दोनों ओर से प्रहार होता है तथा किसी का पक्ष भी लेता है तो दूसरा पक्ष उसको अपने हाथ से बाहर निकल गया समझता है। माँ का पक्ष लेने वालों की संख्या कम है, अधिकांश पति पत्नी की ओर ही झुकते हैं। पत्नी की ओर झुकने का भी कारण है, एक तो पति पत्नी से अधिक प्रभावित रहता है क्योंकि विवाह के बाद उसी का संपर्क सानिध्य बड़ा रसमय लगता है, और दूसरे विवाह के बाद माता पिता द्वारा अपनाए गए रवैयों के कारण उनमें ही अधिक दोष देखने लगता है। जो भी हो, पारिवारिक क्लेश के कारण परिवार टूटे या बना रहे, दोनों ही परिणाम अच्छे नहीं कहे जा सकते। विवेकशीलता और पारिवारिक सद्भाव बनाए रखने के लिए उन गुत्थियों को समझ बुझ के साथ सुलझाया जाना चाहिए जो उसे तोड़ देती है या चटका देती है। इन समस्याओं का समाधान किए बिना एक परिवार में सुख शांति का वातावरण बनाए रखना असंभव है।